श्रीनगर में वो कैसे यह मर गया, कैसे उसने यहाँ श्रीनगर में गन उठाया? डीजीपी साहब, गन लेके आया। डीजीपी साहब, आप बोल रहे हैं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, मगर शुपियन का एनकाउंटर तो देखो हाल ही में हुआ ना, उसका तो आप ही बोल रहे हो। कैप्टन ने कार अरेंज की, वेपन अरेंज किया, तो आज क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपसे जन्नत नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए और दिखा दिए पूरी दुनिया को। अगर वो मिलिटेंट थे तो बोलिए, कम से कम बोलिए। ऐसे ही छुप करके हम रहने वाले नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, कहाँ है हमारे वो इंटेलेक्चुअल्स जो बैक सीट पे बैठे हुए है? मगर याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, कल आपके बच्चों को ऐसी बेहतर चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर हिंदुस्तान में इंसाफ है हमको दे दो, हम मजलूम है, मजलूम मजलूम रहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान, हमको इंसाफ दे दो। लोकड़ भाई चाहे अमिस ना कह तल्लुक कुन सन तंजीम सहन तल्लुक यह बचस मास कहन तल्लुक बह दल जवाब यह इंसान है। हम उनसे डिमांड करते हैं कि मेहरबानी करके, मेहरबानी करके इन मासूम बच्चों की तरफ देखो, इन मासूम पहनों की तरफ देखो जो आपको बोल रहे हैं कि हमें एक लाश वापस दी जाए, डेड बॉडी वापस दी जाए। और सेकंड, इसका प्रूफ होना चाहिए, फ्री एंड फेयर प्रूफ होना चाहिए। जब तक ना फ्री एंड फेयर प्रूफ होगा तब तक हम सड़कों पे निकलेंगे, हमारा राइट है, हमारा हक है, हमें ऐसे थानों में बंद मत कीजिए। मैं यहाँ के कश्मीर के अपने वेयर आर आवर इंटेलेक्चुअल्स, आज वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कब तक हम चुप करेंगे? कब तक हम ऐसे ही खामोश बैठेंगे? क्या हमें अब हम ये बात भी नहीं कर सकते कि फेक एनकाउंटर पे भी हम बात नहीं कर सकते? हम सिर्फ डिमांड करते हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं अपने इंटेलेक्चुअल से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके, मेहरबानी करके अभी सड़कों पे निकलो। काश फिर बहुत देर होगी, फिर बहुत देर होगी जब हर एक घर से एक एक करके चुन के मारे जाएंगे, फिर बहुत देर होगी। मेहरबानी करके प्लीज एंड प्लीज प्लीज इनका जो प्रोटेस्ट है इन टोटल दो पॉइंट्स पे है। पहला पॉइंट ये कि जो HMT इनकाउंटर है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमें लगता है जैसे राजौरी के तीन नौजवानों को फेक इनकाउंटर में छुपे में मारा गया था, कुछ ना कुछ ऐसा जो एटमोसफेयर है वो हमें HMT इनकाउंटर में भी दिख रहा है। दूसरा जो प्रोटेस्ट का पॉइंट है वो ये है कि जो बॉडीज है वो बॉडीज घर वालों को वापस दी जाए, क्योंकि ये बॉडीज जो है घर वालों की प्रॉपर्टी है। किसी भी कानून में अगर आप इंटरनेशनल लॉज ही पढ़ोगे, ये साफ तौर पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है, जो बॉडीज जो है वो नहीं मिल रही है।
जो अथर, एजाज और जुबैर है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से इस केस को देखा जाए कि तीनों नौजवान वहां कैसे पहुंचे और इस इनकाउंटर की रियलिटी क्या है। क्योंकि फैमिली का साफ तौर पर क्लेम है कि हमारे तीनों नौजवानों का किसी तरह भी कोई अस्करी जमात, कोई भी आर्मेंट तंजीम के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। तो इस एनकाउंटर की तहकीकात होनी चाहिए, एक रिपोर्ट जो है, अगर आप कहते हो कि वो मिलिटेंट थे, कम से कम सबूत तो दो फैमिली को कि किस बिहा पे आपने क्लेम किया है। दूसरा जो वैलिड पॉइंट है, आप किसी भी कानून को लीजिए, दुनिया में कोई भी जगह क्यों ना हो, कितने से कितने बड़ा कोई धरंदा भी क्यों ना हो, उसकी लाश कभी भी छुपाई नहीं जाती है, उसे खुद ही अपनी मर्जी से कहीं दफनाया नहीं जाता है, वो प्रॉपर्टी है। वो इस बाप ने अपना वो बच्चा 16 साल पाला है, इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बॉडी की वापस मिलनी चाहिए।